हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं और कुछ कुछ दुर्घटनाएं भी आए दिन होती रहती है और हम अक्सर ये सोचते हैं कि काश हमें पहले ये बात पता होती तो हम ये करते। हमें पहले पता होता तो शायद दुर्घटना से या नुकसान से बच जाते, और आने वाली समस्या के बारे में अगर पहले से पता होता तो हम सतर्क हो जाते। या हमें इसके बारे में पहले से पता होता तो समस्या से निपटाने के लिए हम कोई ना कोई उपाय तैयार करके रखते। अक्सर इस प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली जब हमारी लाइफ में कोई समस्या आने वाली होती है या दुर्घटना होने वाली होती है तो हमें इसका संकेत हमारे पितृ द्वारा, हमारे भगवान द्वारा हमें समय पर दिया जाता है। पर बात यह होती है कि हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते या फिर इन्हें जनरल समझ कर इग्नोर कर देते हैं। शास्त्रों में बताया गया कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख हो या दुख हो, सभी के लक्षण भगवान किसी न किसी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती है जो दिखने में बड़ी साधारण लगती है, लेकिन भविष्य में होने वाली घटनाओं या दुर्घटनाओं के संकेत देती है। कई बार हमारे साथ ऐसा चीज होता है जिससे हम संकेत को समझ नहीं पाते, और हर मनुष्य के जीवन में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की घटनाएं होती है और ये संयोग नहीं होता। जैसे आज मैं खास करके आपको स्ट्रेस दूंगी बिल्लियों के घर पे आने पे। ये बिल्ली एक ऐसी जीव है जिसे सभी प्यार करते हैं और बहुत ही क्यूट लगती है, पर ये हमारे जीवन में आने वाली अशुभता के संकेत बहुत स्ट्रॉन्ग देती है। सबसे लास्ट बात में बात करेंगे हम इस संकेत की, लेकिन उससे पहले जानेंगे और कौन से 8 संकेत हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारे घर पर विपदा आने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं गंदगी की। घर कब गंदा होता है? जब हम उसे गंदा रखते हैं। पर आपको बता दूं कि ऐसा भी घर होता है कि आप अक्सर देखते होंगे कि गृहिणियां साफ करते करते थक जाती है, पर घर किसी भी सूरत में साफ नहीं लगता। घर में गंदगी रहना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लाख सफाई के बाद भी घर में अगर गंदगी बनी रहती है, और आप भी अगर इस तरह की समस्या को भुगत रहे हैं तो ये सबसे बड़ा संकेत है कि आपके पास पैसों की किल्लत होने वाली है। ऐसे में आपको कमर कसकर घर की सफाई करनी चाहिए और रोज या फिर एक दो दिन छोड़ छोड़ कर घर में नमक के पानी का पोंछा लगाना चाहिए। इससे घर से नकारात्मकता दूर होती है। दूसरा संकेत होता है जब घर पर विपदा या संकट आने वाला होता है, तो बड़ा आसान सा है और अक्सर हम इसकी बात करते हैं, वो है घर में लगे पेड़ पौधों का सूखना। कि पेड़ पौधों का कारक बुध ग्रह होता है, और सबसे पहले बुध ग्रह अगर घर में कोई फेलियर्स आने वाले होते हैं, मुसीबत आने वाली होती है, यानी कि बुध ग्रह अफेक्टेड होता है, और इसीलिए पेड़ पौधे यानी हरियाली जिसे हम कहते हैं वो आपकी बर्बाद होने लगती है। कम ज्यादा नहीं हो, घर में कम से कम फ्लैट्स में भी रहते हैं तो एक तुलसी का पौधा तो सभी के घर पे होता है, गरीब के घर पे भी मौजूद होता है, और शास्त्रों में इसे बखूबी बताया गया है कि हमें भले ही आने वाली मुसीबत का अंदाजा हो ना हो, लेकिन पेड़ पौधों को हमारे ऊपर आने वाली मुसीबत का अनुमान हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि घर में जो तुलसी का पौधा लगा रहता है वो अचानक से किसी कारणवश सूखने लगता है। अगर आप उसकी देख रेख बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, नियमित रूप से आप पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, ट्रिमिंग करते हैं, उसकी प्रॉपर दिशा में रखते हैं, फिर भी चिंतित रहते हैं कि तुलसी टिकती नहीं है, सब करने के बावजूद तुलसी ना टिके और अचानक से आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाए, तो ये घर पर आने वाली विपदा का संकेत होता है। हो सकता है आपके परिवार पर कोई मुसीबत आ सकती है, ऐसे में आपको तुरंत सचेत होना चाहिए, और तुलसी का पौधा अगर मर चुका है तो उसे बदल कर तुरंत आपको दूसरा लगाना चाहिए। पुरानी तुलसी को या तो आप किसी नदी में, किसी पौधे की मिट्टी में, या फिर आप उसी गमले में तोड़ करके आपको दबाकर घुसा देना चाहिए। तीसरा और बड़ा सिंपल सा संकेत है घर में घड़ी का बंद होना। अक्सर बैटरी खत्म होती है तो सभी घड़ियां बंद हो जाती है, जो रिमोट्स होती है उसमें बैटरीज खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स बार बार खराब होने लगे, घड़ी बंद होने लगे, घड़ी का शीशा टूटने लगे, चाहे वो हाथ घड़ी हो या दीवार की घड़ी हो, तो ऐसे में आपको सचेत होना चाहिए। अगर आपके घर में बार बार एसी के हुए, टीवी के हुए, इसके रिमोट की बैटरीज अगर नहीं टिकती है, आप अच्छे से अच्छी बैटरी लगाते हैं तो भी तुरंत आपकी डिस्चार्ज हो जाती है, इस तरह के संकेत अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत सचेत होना चाहिए और अपने देवता और पितृ की उपासना तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। बड़ों के आशीर्वाद में समझ ले बहुत शक्ति होती है, और बड़ी
बड़ी से बड़ी मुसीबतों को वो टाल सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने बड़ों का, अपने गुरु का, अपने परिवार का, किसी का भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे भी किसी बड़े और गुरु का ही नहीं, किसी का भी आपको चुगली, बुराई, अपमान आदि नहीं करना चाहिए। और जहाँ हम कांच की बात करते हैं, वहाँ पर सिर्फ घड़ी के कांच नहीं, खिड़कियों या फर्नीचर पे लगे हुए कांच या शीशे भी चटकने लगते हैं। आपके रसोई में रखे घर में कांच के बर्तन या चीनी मिट्टी के बर्तन बार बार टूटने लगते हैं, तो समझ जाना चाहिए कोई आर्थिक संकट आपके ऊपर आ सकता है। ये सभी भविष्य में आने वाली बड़ी परेशानियों की तरफ इशारा करते हैं और आपको तुरंत सावधान होकर अपने कर्मों की ओर ध्यान देना चाहिए। अपने ईश्वर की, अपने पितृ की उपासना आपको करनी चाहिए। चौथा संकेत जो बड़ा कॉमन सा है और वो है दूध को उबालते समय बार बार दूध का गिर जाना। आप सामने खड़े हैं लेकिन फिर भी 1 से 3 सेकंड के अंदर में आपका दूध उबलकर तुरंत बाहर आ जाता है, तो ये एक अशुभ संकेत होता है। अगर आप लापरवाह हैं और दूध गिरता है तो एक अलग बात है, लेकिन सामने खड़े खड़े में अगर दूध घर में बह जाता है बार बार, तो इससे घर के जो पुरुष सदस्य होते हैं उन पर विपदाएं आती है। खासकर माओं को ये बात ध्यान रखना चाहिए कि दूध उफान कर ना गिरे, इससे बच्चे पर कष्ट आता है क्योंकि दूध ठंडी चीज़ है और चंद्रमा मन का कारक है। अग्नि के संपर्क में आने पर चंद्रमा संकट और विपदा लेकर आता है। दोस्तों पांचवी चीज और बहुत छोटी सी चीज है चींटियों का लग्न। ये तो होता ही है और छोटे छोटे घरों में आप देखते हैं अक्सर चींटियां लग जाती है। इवन 24 वाले में भी अगर आप रहते हैं तो भी चींटियां चढ़कर वहां तक पहुंच जाती है, खासकर मीठी चीजों को देखकर। बहुत नेचुरल चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ही बोला जाता है कि घर को आपको रेगुलर रूप से नमक से, फिनाइल से पोछाना चाहिए ताकि आपके घर में चींटियां नहीं रहे। समय समय पर पेस्ट कंट्रोल कराना चाहिए। दोस्तों चींटियां लगना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर घर में मिठाई पर चींटियां लगती है तो ओके है, लेकिन घर में अगर नमकीन चीज़ों में चींटियां लगनी शुरू हो जाए तो ये एक बुरा संकेत आपके लिए हो सकता है। आपके जीवन में हो सकता है जल्दी ही किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। साथ ही साथ जब भी घर में कोई बड़ा उत्सव हो, त्यौहार हो, कोई भी शुभ अवसर हो, उस पर घर में कलह हो जाए, समस्या उत्पन्न होने लगे, तो समझ जाएं कि आने वाले साल में आपके ऊपर भारी विपदा आ सकती है। इस तरह के संकट को दूर करने के लिए, इन सभी जो मैंने चीजें बताई है प्रॉब्लम, इन सभी को दूर करने के लिए आपको समय समय पर सुंदर कांड का पाठ करवाना चाहिए। आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं मंगलवार शनिवार, और नहीं तो आप कम से कम 11 लोगों को बुलाकर एक दिन आप सुंदर कांड का पाठ कर लें। अगर आप 11 लोगों को बुलाकर नहीं करना चाहते तो 11 रात्रि आपको सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, या नहीं आता आपको पाठ करना तो आपको सुनना चाहिए। दोस्तों इसी तरह छठा संकेत होता है जब अचानक से आपके छत या आंगन में या घर में, घर से बाहर निकलते वक्त कोई हड्डी का टुकड़ा आपको दिख जाए, या फिर आपके सामने फेंक के ऐसा लगता है कि किसी ने फेंक दिया हो, कुछ कर दिया हो। दोस्तों ये अशुभता का संकेत माना जाता है और जो लोग करते हैं वो क्या करना चाहते हैं, आपके ऊपर नकारात्मकता डालना चाहते हैं। और ये सच में नकारात्मकता का संकेत होता है कि किसी ने डाल दिया होगा, किसी ने कुछ कर दिया होगा, और घबराहट के मारे आप आधे से ज़्यादा काम बुरे करने लगते हैं। ऐसे में आपको बिना बात का वहम पाले उसे तुरंत उस जगह से हटवा कर, अगर आपके स्थान में या आपके एरिया में है तो उसे हटवा दें और उस स्थान को गंगा जल से छिड़क कर पवित्र करके, या गौमूत्र हो सके तो सर्वश्रेष्ठ है, उससे छिड़क कर आप खुद भी नमक के जल से, आपका हाथ पांव लग गया है तो आपको स्नान कर लेना चाहिए। दोस्तों सातवां संकेत और बहुत ही सिंपल सा संकेत है घर में किसी का बीमार पड़ जाना। ऐसे तो मौसम का बदलाव है, छोटी मोटी बीमारियां घर में लगी रहती है, लेकिन यदि घर में कोई मनुष्य अचानक से ज़्यादा बीमार हो जाए, तरह तरह के आपने इलाज करा दिए, उसके बाद भी पता नहीं चलता है कि बीमारी क्या है, या कोई भी वो ठीक नहीं होता है, बीमार है हर समय, या किसी को अचानक से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ जाए, कोई आपके घर में लगता है अचानक से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, इस तरह के कोई भी प्रिय बिहेवियर किसी का हो जाता है, तो आपको तुरंत इसको बुरा संकेत समझना चाहिए। आने वाले भविष्य में इससे आपको लक्ष्मी का नाश हो सकता है और भयंकर विपदा में आप पड़ सकते हैं। ऐसे में आप पहले तो ट्रीटमेंट कराएं, और अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पाती है तो आपको कम से कम महामृत्युंजय मंत्र का घर में जप कराना चाहिए, या कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही आपको घर में चला कर रखना चाहिए।
आप चाहें तो किसी पंडित को, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाकर ग्रह के अनुसार जप आदि करवा सकते हैं, या जो कंसर्न पर्सन है उसको प्रॉपर स्टोन आप धारण करवा सकते हैं। ग्रहों के आपको उपाय करने चाहिए, और जो बीमार इंसान होता है, इस तरह का बिहेवियर होता है, उसके बिस्तर को धूप दिखा करके उस पर गौमूत्र का आपको छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों आठवां संकेत, अगर सब नॉर्मल है फिर भी घर की छत हो, मकान हो, आपने सब पेंटिंग कराए, सब अच्छे से रखते हैं आप घर को, फिर भी उसमें क्रैक्स आने लगे, प्लास्टर टूट करके अगर बार बार घर में गिरने लगे, अगर मकान खराब है और इस तरह का सब फ्रीक्वेंट होता है तो ठीक बात है, लेकिन अगर इस तरह से अचानक अच्छी भली जगह पर होने लगे, दीवारों में दरार गिरने लगे, तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। और इस पर बहुत सारी होता है कि नेगेटिविटी आने वाली है आपके जीवन में, और आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसकी मरम्मत करवा कर रखनी चाहिए। कभी भी कहीं से अगर घर में या मकान में पलस्तर उतरा हुआ हो तो उस घर को आपको तुरंत मरम्मत करा के आप सिर्फ वो ही करवा दीजिए प्लेन पलस्तर, और उसको आपको रखना चाहिए। आखिरी संकेत की आज हम बात करें, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, बिल्लियों का घर में आना। बिल्लियों को शास्त्रों में इसलिए मना नहीं किया गया कि वो घर में आके दूध पी जाती है, बल्कि इसलिए कि हमारे घर में शास्त्रों के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा का वास करती है। और नारद पुराण में तो ये तक कहा गया कि बिल्लियों के पैरों की धूल जहां भी उड़ती है वहां सकारात्मक ऊर्जा की हानि होती है, यानी उस घर की शुभता का नाश होता है और उस घर में किसी प्रकार की तंत्र मंत्र की शक्ति का वास माना जाता है। तंत्र मंत्र की जब हम बात करते हैं तो साधना में बिल्ली को काली शक्ति का प्रतीक ही माना गया है और बिल्लियों की पूजा की जाती है। और अगर कहीं से आपको बिल्ली की जेर मिल जाती है तो आपको उसको घर पे ज़रूर स्थापित करना चाहिए, और बिल्लियों को पितृ से संबंधित माना गया है। बिल्लियों को घर में आना अशुभ माना जाता है, और बिल्ली की जेर अगर आप घर पे रखते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। और अगर आप चाहें तो कहीं से सिद्ध किया हुआ आपको बिल्ली की जेर मिल जाए तो आपको अपने घर पे ज़रूर रखना चाहिए। ध्यान रखें, बिना सिद्ध किया हुआ या कहीं से भी प्राप्त किया हुआ बिल्ली का जेर आपको नहीं रखना चाहिए, कि किसी प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर से ही आपको इससे लेना चाहिए, वो भी सिद्ध किया हुआ लेना चाहिए। दोस्तों जिस घर में बिल्लियों का आना जाना लगा रहता है उस घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बना रहता है, और एक के बाद एक समस्याएं आने के कारण घर का जो मुखिया होता है वो तनाव में रहता है और उसका आचरण गलत हो जाता है। बिल्लियों के बारे में मान्यता है कि भोजन करते समय बिल्ली अगर दिखे तो कष्ट होता है, और अगर मलमूत्र कर दे तो बड़ी हानि होती है। आजकल कुछ लोग बिल्लियों को पालने के शौकीन भी होते हैं, और आप भी अगर घर में बिल्लियां पालते हैं तो ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन अगर आपके घर में अचानक ही बिल्लियों का आना बढ़ गया है तो इसे सामान्य सी बात मान करके आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये भविष्य में होने वाली किसी अशुभ घटना का संकेत हो सकते हैं, और आपकी पालतू बिल्ली भाग जाती है या बार बार भागकर घर के बाहर चली जाती है तो ये हो सकता है, ये भी एक अशुभ संकेत होता है। बिल्लियों की छठी इंद्रिया जो होती है वो बहुत अधिक सक्रिय होती है और उन्हें पूर्व आभास हो जाता है और घर छोड़कर भाग जाती है। ऐसे संकेत अगर आपको भी मिलते हैं तो आपको तुरंत सावधान होने चाहिए, और इसको किसी भी प्रकार का वहम विचार अंधविश्वास ना मानकर, हो सकता है हमारे सिक्स सेंस की वजह से या जो भी कारण से दिखाई दे रहे हैं, तो आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए, अपने पितृ पूजा करनी चाहिए। पितृ की पूजा के लिए बेस्ट तरीका होता है दक्षिण मुखी होकर के एक लोटा जल देना जब सुबह आप सूर्य देवता को जल देते हैं। ध्यान रखें शाम के बाद यानी 4-5 बजे के बाद आपको पितृदेव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, और घर में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करानी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का आप चाहे तो जप करवा सकते हैं, और जो भी आपके इष्ट देवता का हवन अनुष्ठान आदि हो वो करना चाहिए। पूर्णिमा हो, एकादशी हो, अमावस्या हो, इन पर आपको छोटे छोटे उपाय बताती रहती हूँ, वो कीजिए, इससे आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जा का वास हट जाता है। तो दोस्तों अपनी फ्रेंड्स फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे जो भी लगता है भुगत रहे हैं, अक्सर उनके भी घर में इस तरह के संकेत होते रहते हैं पर ध्यान नहीं देते, तो एक बार नज़र घुमा के अपने आसपास अगर आपको लगता है, आपका दिल घबराता है, एक बार आपको ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार के संकेत हों तो तुरंत उसका इलाज करना चाहिए। आपको वहम विचार पाल के उसको लेके रोना धोना नहीं चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है या होने वाला है, बल्कि उसका उपाय करके आपको निश्चिंता के साथ जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने घर में ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा का वास रखें, शाम के समय घर में मंदिर में आरती जरूर करें। इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय आप करते रहते हैं, जैसे मुख्य द्वार पर आप थोड़े से फिटकरी काले कपड़े में बांध करके रखें, या फिर अपने पूजा घर में रोज सुबह शाम आप दो
कपूर की टिक्की और दो लौंग जलाकर रखें या लोबाण और गूगल की धूप जलाएं, ये सभी बहुत अच्छे उपाय होते हैं घर से नकारात्मकता को दूर भगाने के और कोई भी अनिष्ट अगर संकेत दिखाई देते हैं तो वो अनिष्टता को घर से दूर करने के लिए। आज ही करें दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव योर फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।